अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त HPCR सोसाइटी के कराची चैप्टर के ऑफिस में, जहां पर HPCR सोसाइटी की तरफ से एक तकरीब हुई है जो कि 30 साल मुकम्मल हुए हैं HPCR सोसाइटी को, और ये 38 तकरीब मुनक़द हुई और माशाल्लाह से बड़ी कामयाब तकरीब थी। ये काफ़ी पार्टिसिपेशन इसमें थे और केक कटिंग सेरेमनी भी थी, और इस मौके पे हमें मौका मिला HPCR सोसाइटी के चेयरमैन, कराची चैप्टर के चेयरमैन आले मोहम्मद साहब से बात करने का, और इस तकरीब के हवाले से भी ये कुछ कहेंगे और HPCR सोसाइटी के एफ़र्ट्स के हवाले से भी, और जो 30 साल गुजरे हैं उसकी क्या एफ़र्ट्स रही है, उस वक्त से लेकर अब तक क्या क्या खिदमात रही HPCR सोसाइटी की इंडस्ट्री के हवाले से, उसके बारे में बताएंगे। जी आले साहब, प्लीज़ बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आज हमारी इस तकरीब की कवरेज के लिए मौजूद हैं यहाँ पे, और रब का बड़ा शुक्र है कि ये इस वक्त हमारी HPCR सोसाइटी की 30th एनिवर्सरी की ये तकरीब मुनक़द हुई है। माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं हमारी सोसाइटी को, आज से अगर हम 1993 के पास जाएँ जब ये सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, जब से लेके आज तक बड़े नशेब फराज ज़रूर आए इसमें शक नहीं, लेकिन हमारे जो सीनियर मोस्ट मेम्बरान फाउंडर मेम्बर्स हैं उनकी जो काविशें रही हैं, उनकी जो सपोर्ट रही है, उसने यकीनन इस सोसाइटी को दवाम बख्शा है। और मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब ये सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी तो 93 में इस्टेब्लिश हुई थी, 94, 95, 96, 97 चार साल जो थे ना एग्जीबिशन ज़रूर हुई, लेकिन ये एग्जीबिशन जो हुई जो इस्लामाबाद रीजन में हुई, अच्छा वहाँ थोड़ी सी मुश्किल जो होती थी कि सोसाइटी नई नई इस्टेब्लिश थी तो हमें एग्जीबिटर नहीं मिलते थे, एग्जीबिटर ना मिलने की वजह से हमारी जो हमने जगह ली जाती थी एग्जीबिशन के लिए तो वो स्टॉल खाली रहते थे, और जब स्टॉल खाली रहते थे तो जाहिर है फिर वो जो विज़िटर आए तकरीब में आए तो पता चला उनको कि जनाब ये शायद नाकाम हो गए। तो उसके लिए मैं बहुत सल्यूट, बे इंतहा सल्यूट पेश करता हूँ अपने बहुत ही फाउंडर मेम्बर मोस्ट सिद्दीक साहब को, साबरों के ऐसे ब्रदर्स के सिद्दीक साहब, चौधरी सिद्दीक साहब, उनकी जो काविशें हैं वो बुलाई नहीं जा सकती। तो उनकी एफर्ट जो होती थी कि सोसाइटी की ये जो एग्जीबिशन शुरू की चार हैं ये मुनक़द जो हो रही हैं, कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं आए कि ये नाकाम है। तो उन्होंने साबरों की तरफ से वो स्टॉल जो खाली होते थे ख़ुद ऑक्यूपाई करते थे, ख़ुद लेते थे, ताकि उसकी जो स्टॉल की जो भी रेंट वगैरह होता था उसका हॉल का वो भी निकल सके, वो भी अदा हो सके। तो उससे वो पूरे पूरे बड़े बड़े स्टॉल उनके होते थे, और उससे ये इंप्रेशन शुरू में ही आया, शुरू के चार में ही आया कि ये साबरुश है, यकीनन ये साबरुश है। जब सिद्दीक साहब की एफ़र्ट्स थी तो यकीनन ये साबरुश कहलाएगा, क्योंकि वो अपने फाइनेंस से उसको भी सपोर्ट करते थे, और बड़े बड़े स्टॉल लगे, दो दो चार चार छः छः स्टॉल लेके अपना साबरों के वो डिस्प्ले करते थे, तो यकीनन वो फिर हर जगह साबरु ज़्यादा इसीलिए नज़र आता तो साबरुश शो कहलाता था। उसके बाद ये पाँचवीं कॉन्फ्रेंस हमारी जो हुई एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस, ये हमारी रीजन प्लाजा में हुई थी जो कि पहले ताजमहल था, इसमें फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे जो है ना चेयरमैन थे सोसाइटी एग्जीबिशन सोसाइटी के, उसका मैं भी हिस्सा था, अब्बास साजिद साहब भी थे। वो एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसने जो है ना बहुत पजीराई मिली और बहुत ज़्यादा समझिए कि हौसला अफजाई मिली, नया नहायत ही कामयाब तरीन थी ये पाँचवीं कॉन्फ्रेंस। उससे हमें डेफिनेटली एक बूस्ट मिला सोसाइटी को, और जब वहाँ से फिर सोसाइटी ने बूस्ट किया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये हुआ कि रेगुलर बेसिस के ऊपर, रोटेशनल बेसिस के ऊपर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इस एग्जीबिशन को किया जाए, कॉन्फ्रेंस को। और माशाल्लाह सोसाइटी है, तमाम फाउंडर मेंबर, तमाम सीनियर मोस्ट मेंबर यकीनन काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है कि उनकी ज़ाती कोशिशों का वजह से आज। अच्छा उसके बाद साबरों ने ये नहीं किया, कराची में जब भी इंस्टॉल हुई उन्होंने पूरा पूरा हॉल एक अपना बुक किया साबरों के नाम से, इसी तरह MIA कॉरपोरेशन ने पूरा पूरा हॉल अपना बुक किया MIA के प्रोडक्ट पर, एक्शन की और मैक्यो के प्रोडक्ट के ऊपर। तो जाहिर है ये हमारे सपोर्ट
सपोर्टर रहे हैं सोसाइटी के, तो सपोर्टर क्या बल्कि फाउंडर्स में से हैं, तो इनकी काविशें काबिल सताइश है। अच्छा आली साहब, माशाल्लाह से आप बहुत पुराने, यानी इनका साथ आपका है एच वी सी आर सोसाइटी का। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान के तमाम ऑफिसेस में ये सेरेमनी हो रही है? जी हाँ, इसमें हमारे जो तकरीब यकीनन ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में हुई है, और इसमें भी जो है हमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बहुत ही मतलब सीनियर मोस्ट लोगों को भी, और जिनकी परफॉर्मेंस रही है इस सोसाइटी में। तो इस दफ़ा कराची से जो है नॉमिनेट हुए हैं जनाब अपना यूसुफ हसन साहब हैं, अच्छा, और लाहौर से मेरे ख़्याल से मुझे नाम याद नहीं, कोई अली साहब है, अली हसन साहब है, और इस्लामाबाद से जो है वो सईद खान साहब हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और मुझे यकीन है कि इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने एक और ऐलान किया था अपना अवार्ड्स का, जो परफॉर्मेंस अवार्ड है, हर चैप्टर से तीन तीन मेम्बर्स को जो है अवार्ड दिए जा रहे हैं। इनमें एक अवार्ड कराची से हमारे दिशान साहब हैं, अच्छा ये अवार्ड सिर्फ 2023 का अवार्ड है जो दिया गया है। इनमें एक अवार्ड दिया गया है दिशान सिद्दीकी साहब को, एज ए एग्जीबिशन के चेयरमैन भी थे, कराची चैप्टर की चेयरमैन भी थे 2023 में, और साद खान को दिया गया जो मीडिया सेक्रेटरी और थे उसमें उसी एक्सपो के, और हयाज अली खान साहब को दिया गया जो स्टूडेंट्स और कहना वॉलंटियर्स के हवाले से था। इन तीनों को कराची से दिया गया। लाहौर की लिस्ट अभी तक मेरे सामने है नहीं, वरना तीन मेम्बर लाहौर से और तीन इस्लामाबाद से इसी तरह दिए गए हैं अवार्ड सबको। तो सर ये तकरीब पे अब आप लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे या क्या 40 साल पे करेंगे, 50 साल, किस तरह से इसका सिलसिला है? जी, हमारी अभी लाहौर में जो एक ईसी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट ने तो इस ख्वाहिश का इजहार किया है रमज़ान शरीफ साहब ने कि इस तकरीब को 26 जून हर साल इसको जो है ना सेलिब्रेशन में हम जाएँगे किया करेंगे चारों चैप्टर के अंदर। और अभी तक तो ये प्लान का एक हिस्सा है और अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसको अप्रूव किया है, और इंशाल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी है, आपस में मेंबर्स के साथ एक गेट टुगेदर हो जाती है, एक दूसरे के मुलाकातें हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी तकरीब रहेगी और हर साल इंशाल्लाह ताला इसको हम सेलिब्रेट किया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आले साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि आले मोहम्मद साहब थे कराची चैप्टर चेयरमैन, और उन्होंने बड़ी अच्छी डिस्कशन की और तफसील से बताया सोसाइटी की तकरीब के हवाले से भी, सोसाइटी के एफर्ट्स के हवाले से भी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।